यूके इमरान खान साहब जाना चाहते थे, लेकिन यूके वालों ने इमरान खान साहब को रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि यूके वाले कहते थे कि आए आपको हम क्रिकेट मैच दिखाते हैं ऑफिशियल प्रोटोकॉल में, और एक दो छोटी और चीजें थी। जबकि इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे 10 ईयर्स प्लान दें, जो कि इंडिया और यूके का प्लान। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, पाकिस्तान की जो हैसियत है, पाकिस्तान की हैसियत ऐसी है कि वी आर अ कंट्री हु वाज बैकिंग फॉर मनी टू IMF, वी आर पार्ट ऑफ दी FATF की हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। यूके इमरान खान साहब जाना चाहते थे, लेकिन यूके वालों ने इमरान खान साहब को रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि यूके वाले कहते थे कि आए आपको हम क्रिकेट मैच दिखाते हैं ऑफिशियल प्रोटोकॉल में, और एक दो छोटी और चीजें थी। जबकि इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे 10 ईयर्स प्लान दें, जो कि इंडिया और यूके का प्लान। अमेरिका को मैंने एब्सोल्युटली नो कर दिया। ये वो सजाएं हैं जो पाकिस्तान को अब मिल रही हैं, और ये मिलती रहेंगी। यूके ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है, और उसका कारण भी भारत ही बना है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यूके जाना चाहते थे, और उनकी यह इच्छा थी कि उनको भी वही दर्जा मिले जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूके दौरे के समय मिली थी। पाकिस्तान यह भी चाहता था कि यूके उनके साथ भी वही रक्षा करार करे जो वह भारत के साथ किया है, लेकिन यूके ने पाकिस्तान के इन इच्छाओं पर पानी फेर दिया है और कहा है कि आप यूके का दौरा न करें। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। उनकी जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो क्योंकि चाइना की तरफ होती जा रही है और हो चुकी है, तो ऑब्वियसली अब जो वेस्ट है वो पाकिस्तान को वो सजाएं देता जाएगा। कभी किसी तरीके तंग करेंगे, कभी किसी तरीके आपको जो है तंग किया जाएगा। सो पाकिस्तान ने क्या इसको जो स्टेटमेंट्स दी हैं, इमरान खान साहब ने रिसेंटली जो ओपन स्टेटमेंट्स देते हैं, मैंने अमेरिका को नो कह दिया, यूके इमरान खान साहब जाना चाहते थे, लेकिन यूके वालों ने इमरान खान साहब को रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि यूके वाले कहते थे कि आए आपको हम क्रिकेट मैच दिखाते हैं ऑफिशियल प्रोटोकॉल में, और एक दो छोटी और चीजें थी। जबकि इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे 10 ईयर्स प्लान दें, जो कि इंडिया और यूके का प्लान है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के और यूके के अपने ताल्लुकात हैं, और इसकी बेस के ऊपर हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर इंडिया के किसी मुल्क के साथ अच्छा ताल्लुक है, तो ज़रूरी नहीं हम भी उसी वो ताल्लुकात हमारे साथ भी उसी तरह रह सकें, या हमारी कोई इतनी कैपेसिटी हो, या हमारी इकोनॉमी उस तरह हो। इंडिया की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, हम तो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, लेकिन इंग्लैंड और यूके के ताल्लुकात तो हमें उसको कंपेयर करना जी पाक यूके ताल्लुकात से, ये मेरा ख्याल है नाइंसाफी होगी, और हमारी पोलिटिकल एलीट को इसको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। अब जाके उन्होंने इमरान खान साहब ने ये कहा, तो उन्होंने कहा जी नहीं आप फिर ना आए, क्योंकि जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है उसने हमारी रिपीटेड जो रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्स ही नहीं किया। सो इमरान खान साहब के टेन्योर में पाकिस्तान की जो ग्लोबल आइसोलेशन है वो नजर आ रही है। और ग्लोबल आइसोलेशन इस तरह नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि जी के हम कोई इस तरह के काम कर रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। और अबव ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के करीब होता जा रहा है, और जो एक्सप्लिसिट एंड एक्सप्रेसिव स्टेटमेंट्स आती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से डेली बेसिस के ऊपर कि जनाब चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम चाइना के साथ बातें अंदर बैठ के करते हैं, हाँ हम अमेरिका को मैंने एब्सोल्युटली नो कर दिया। ये वो सजाएं हैं जो पाकिस्तान को अब मिल रही हैं, और ये मिलती रहेंगी। दौरे को मुलतवी कर दिया गया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से। एजेंडे क्या इसी तरह बनते हैं और इसी तरह दौरे जो है मनसूख होते हैं जी डॉक्टर साहब? लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, पाकिस्तान की जो हैसियत है, पाकिस्तान की हैसियत ऐसी है कि वी आर अ कंट्री हु वाज बैकिंग फॉर मनी टू IMF, वी आर पार्ट ऑफ दी FATF की हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। मुल्क जो है वो करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस चल रहे हैं अदालतों के बीच में। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो मीडिया हाइप, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो जो खबरें देता है उसकी दुनिया में जो कुछ हो रहा था उसके साथ उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर नवाज शरीफ इमरान खान मतलब आप ग्राउंड रियलिटी, अब एक जगह से फ्लाइटें अगर बंद हो फर्ज करें और कोई ऐसी इमरजेंसी भी ना हो, तो वो कहेंगे कि अच्छा कोई बात करनी है तो आप अपने सफीर के थ्रू हमें बात कर लें, आपको खुद आने की क्या जरूरत है। आइंदा आने वाले दिनों में भी, लेकिन अगर इमरान खान साहब और उनकी जो काबीना है, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ट्रम्प साहब से मिल के आए, जब जनरल बाजवा भी 2019 में इमरान खान साहब के गए, तो इमरान खान साहब जब एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया। हालांकि वो एक सिंपल सी ट्रम्प से मुलाकात थी, एक प्रेसिडेंट की, एक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात थी, एक ऑफिशियल लेवल की, और उसमें ट्रम्प ने सिर्फ ये कहा मैं मीडिएशन कराऊंगा, जिसका इंडिया ने फौरन रिजेक्ट किया और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को भी उसके ऊपर भी बात करनी पड़ गई। इंडिया जो है उसके साथ हम हर वक्त अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो बैलेंस की बात हम करते हैं या वो जो रिलेशनशिप को बैलेंस करने की बात करते हैं इंडिया के साथ, अब वो नहीं है। और मगरब और अमेरिका और यूरोप की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के साथ और जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल एक नई जहत पे पहुंच। और यूके ने ये जो काम किया है ये बेसिकली तो हमारी इन्होंने इंसल्ट की है, लेकिन ऑब्वियसली वो इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे कि मैं कल रात यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में जो वीडियो बना रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो क्वाड पार्टनर्स हैं उनको इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए। जब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्वाड पार्टनर्स का होगा तो पूरी दुनिया प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगी। और हमें जो वो है बजाय इसके कि हमें हमारे लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पाकिस्तानियों को तंग किया जा रहा है। और ये वो पाकिस्तानी हैं जो यूके में रहते हैं, जो यूके में काम करते हैं, जो यूके के सिटीजन हैं, जो यूके के नेशनल हैं, और वो अपनी जिंदगी जो है वो उसमें मुश्किल में है। और सी थ्रेड में, सी कैटेगरी में उन्होंने पाकिस्तान को रखा हुआ है और इंडिया को एम्बर में डाल दिया। पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से या पाकिस्तान के इस बिहेवियर की वजह से हमारे सिटीजन्स को ये करना पड़ता है और हम कुछ इसके ऊपर रिलीफ भी नहीं ले सकते। जिस तरह की यूएई ने हमारे वीजा बैन कर दिए, सऊदी अरब ने हमें कहा कि जी आप फलां वैक्सीन लगवा के आएंगे, जो कि हमारे लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल चैलेंज बन गया। बट एनी हाउ आई थिंक स्टेट को इस पर सोचना चाहिए। ये जो यूके फैसले कर रहा है, यूएई फैसले कर रहा है, यूएई हमसे डरता है कि ये ना होगा कोई पाकिस्तानी यूएई पहुंच के तो कोई इसराइलियों को मारने की कोशिश करें या कोई इस तरह का हमला कर दे, तो लोग हमसे डर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारी पॉलिसी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि एक तो अवाम को ऑन बोर्ड लें। क्रिकेट मैच देखने का जो आइडिया सबसे पहले इसको आगे बढ़ाने वाली बरतानवी हुकूमत है, लेकिन जब टाइम आया कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर बातचीत हो तो बरतानवी हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि इनिशियली उन्होंने 2 वीक्स तक कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली और पोलाइटली पाकिस्तान को ये बताया कि जिस किस्म का 10 ईयर्स का रोड मैप आप चाह रहे हैं वो इस वक्त हम देने की पोजीशन में नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि इमरान खान की एक शादी यूके में भी हुई थी, हालांकि उसमें तलाक हो चुका है, पर अभी भी इमरान खान के बच्चे यूके में ही रहते हैं। साथ ही इमरान खान जब क्रिकेट खेला करते थे तो उनकी यूके में एक बड़ी फैन फॉलोइंग थी। इमरान खान इसी मुगालते में थे कि उनकी इसी पॉपुलरिटी के आधार पर जब वे प्रधानमंत्री बन गए हैं तब भी उनको वही सम्मान यूके में मिलेगा। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का यूके दौरा देखा था, जहां प्रधानमंत्री मोदी को यूके में बड़ा हंगामी स्वागत किया गया था और साथ ही यूके ने भारत के साथ एक 10 साल का रक्षा करार भी किया था। मोदी के इस स्वागत और रक्षा करार को देखते हुए इमरान खान भी यह मुगालता पाल रखे थे कि यूके भी उनको वही ट्रीटमेंट देगा, उनके साथ भी वही स्वागत करेगा, लेकिन यूके ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की तुलना आप अपने देश के साथ नहीं करें, आपके साथ जो संबंधों का आधार है वह दूसरे तरह का है और भारत के साथ जो संबंधों का आधार है वह दूसरे तरह का है। और यह सही भी है कि देश अपने संबंधों को किसी दूसरे देश के साथ उस देश के हैसियत के अनुसार तय करते हैं। एक आर्थिक मदद लेने वाला पाकिस्तान और दूसरा मदद देने वाला भारत, दोनों की तुलना क्या हो सकती है। लेकिन इमरान खान को यह समझ आए तब तो इमरान खान जितना ही जल्दी समझ लेंगे, इस ख्वाब से बाहर आ जाएंगे कि उनकी तुलना भारत के साथ कभी नहीं हो सकती और इसी आधार पर विश्व उनको उतनी इज्जत नहीं देगा जितना भारत को आज मिल रहा है। यह उनके लिए बहुत अच्छा होगा। दरअसल पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी आर्थिक उन्नति करे, न कि भारत के साथ हमेशा तुलना करने में, भारत की बुराई करने में और भारत में आतंकवाद फैलाने में लगा रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।